ओम शांति परम पिता परम शिक्षक परम प्रिय शिव बाबा के याद में सभी भाई बहनों को प्रणाम है साथ साथ नया बरस की मुबारक है जब भी मैं कॉलेज स्टूडेंट थे 1965 में तब मेरे को ईश्वरीय ज्ञान मिला 1966 में साकार बाप दादा का दर्शन किया मधुबन में मैंने प्रथम बारी ब्रह्मा बाबा को मधुबन में क्लास हॉल में दर्शन किया बाबा को उसी समय में नाइन्टी इयर्स लगभग एज थे बाबा क्लास पर पधारा बाबा गद्दी पर उपस्थित हुआ गद्दी पर भी युद्ध जैसे विराजमान हुआ शिव बाबा अर्थात बाप दादा दोनों को मैंने स्मृति करके बाबा का दृष्टि लिया बाबा का दृष्टि जैसे शेर की दृष्टि थे बाबा का वाणी मधुर भी थे साथ साथ गंभीर भी थे बाबा को मैंने जब दर्शन किया मुरली सुनने लगा रोमांचन हो गए मैं मेरे को बाप दादा का मुरली सुनकर स्वयं साक्षात नंदीगण और शिव परमात्मा का तो मिलन किया इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ एक दिन दादी जी हृदय पुष्पा जी बेंगलुरु की पार्टी बाबा का कमरे में साकार बाबा को मिलन किया जब भी मैंने बेंगलुरु में क्लास में अटेंड करते थे उसी समय में बाबा का साकार की हिस्ट्री भी मैं सुने थे साकार हिस्ट्री में जब भी बाबा ने बिजनेस करते थे उसी समय की फोटो भी देखा था जैसे मेजर जैसे कमांडर जैसे बड़े ऑफिसर ऐसे स्टाइल में बाबा का फोटोस मैंने देखा था अभी मैं मधुबन में स्वयं साकार बाबा का मैं देख रहा हूँ इतना मेरे को आश्चर्य हुआ ऐसे बड़े आदमी वेरी सिंपल ड्रेस में हम सब को मिला बाबा बहुत प्यार से सभी हम लोग जो बेंगलुर पार्टी थे मैक्सिमम दस पंद्रह है तो कमरा में जब भी मिला सभी भाई बहनों को जो दादी ने लेके गए थे बाबा को दर्शन करने के समय में मेरे को यह संकल्प आया बाबा का ड्रेस पहले बिजनेस के समय में क्या थे अभी कितना सिंपल ड्रेस है बाबा कितना सिंपल है बाबा का लाइफ में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को मैंने महसूस किया बाबा जैसे अपने धरनी पर ही एक वाइट थोड़ा दो इंच तीन इंच की गद्दी हाइट के ऊपर बैठे थे हम सभी बच्चों को समान रूप से बिठाया मेरे को आश्चर्य हुआ इतना बड़ा महान आत्मा हम लोगों को कैसे साथ साथ मिल रहा है इतना बड़ा स्टेटस परमपिता परमात्मा का दिव्य रथ इतना सिंपल से सरलता सरलता से प्रेम से प्यार से हम सबको मिलन किया मेरे को बहुत आश्चर्य लगा जैसे घर में बाप बच्चों के साथ मिलता है ऐसे ही मैंने अनुभव किया जब भी मैं पढ़ते थे उसी समय में मैं कुछ गुरु जगत गुरुओं का सेवा भी किया उसका साथ भी थे वो कितना हायर स्टेटस समझ के रहते थे परंतु ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल हो के जैसे फादर जैसे हो के सबको मिलते थे, थे दोनों देखकर मेरे को इतना आश्चर्य हुआ ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी है कुछ भी हमें बड़ा है ऐसे नहीं दिखाया ब्रह्मा बाबा का कमरे को मैं देखने से उधर बाबा इतना सिंपल लाइफ लीड किया था तो अपना रूम में एक बेल्ट काट के ऊपर सोते थे लगभग नाइन्टी इयर्स की एज के बाबा बेल्ट काट पर सोया था तो एटलीस्ट वो एज में फ्लैट बे काट होना था परंतु ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चों को काटता था ऐसे ही अपना काट भी रखा था ब्रह्मा बाबा का जो बाथरूम है अटैच भी नहीं रखा था बाबा अटैच बाथरूम भी नहीं रखा था इतना सिंपल लाइफ इतना सैम्पल लाइफ हम लोगों को दर्शन करने के लिए मिला जब भी मैं स्टूडेंट था बेंगलुरु में कुछ गुरुओं का सेवा भी किए थे कुछ बड़े बड़े जगत गुरु महामंडलेश्वर को सेवा किए थे वो समय में महामंडलेश्वर जगत गुरु गुरु अपना ही सिंहासन पर विराजमान होते थे भक्त लोग नीचे बैठते थे कभी भी गुरु अपना समान शिष्यों को व भक्तों को नहीं बिठाया तो इधर देखने से ब्रह्मा बाबा जैसे सिंपल हो के सबको साथ समान हाइट पे बिठाया था महसूस होता है इससे ब्रह्मा बाबा जैसे आम आदमी जैसे सबको साथ दिया जो गुरु जगत गुरु महामंडलेश्वर जो भी मैंने दर्शन करते थे मेरा स्टूडेंट लाइफ में ये सभी भक्त साष्टांग प्रणाम करते थे गुरु ने अपना हाथ से आशीर्वाद करते थे परंतु परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा जो सेलेक्ट किया ब्रह्मा बाबा को इतना हायर स्टेटस बाबा को होने से भी कभी भी ऐसे फोर्स ब्रह्मा बाबा के साथ मैंने देखा ही नहीं ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को हसनमुखी होके दर्शन दे देते थे ब्रह्मा बाबा को जबी परमपित परमात्मा का अनुभूति हुआ शिव बाबा का श्रीमत अनुसार ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा साहूकार थे सो अपना सब कुछ तन मन धन यज्ञ को समर्पित करा दी जो शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार जो बहनों का ट्रस्ट था उसको संपूर्ण समर्पण कर दिया अपने को कुछ नहीं रखा तो यह दृश्य हमको मधुबन में बाबा का सिंपल लाइफ देखकर अनुभूति हुआ सचमुच यही है ददीची महर्षि पुराण में जो ददीची महर्षि है विश्व कल्याण के लिए अपना पट्टी को भी समर्पण कर दिया था अभी ब्रह्मा बाबा अपना सर्वस्व तन मन धन सभी जब ईश्वरार्पण करके सेवा करने लगा इसका ज़्यादा एग्जाम्पल दुनिया में देखने को नहीं मिल सकता है मैंने ये भी अनुभव किया जगत गुरु गुरु महामंडलेश्वर आदि सभी जब भी अपना सिंहासन पर विराजमान होता है सब भक्त अपने अपने यथार्थ शक्ति अनुसार उसको पैसा समर्पण करते थे ये आशीर्वाद लेते थे परंतु ब्रह्मा बाबा जब भी क्लास में गद्दी पर विराजमान है मुरली सुनने के समय में मुरली कहाँ बोलने के समय में इतना प्यार से मुरली सुनाते थे, थे ये समझता ही नहीं है हमें बड़ा है परंतु गुरु जगत गुरु मैंने देखा लेते थे, थे। परंतु ब्रह्मा बाबा को देखा वो देने वाला था लेने वाला नहीं इसलिए ब्रह्मा बाबा का लाइफ में सेवाधारी मैने क्या है हम सीखना पड़ता है ये बेहद सन्यासी है ब्रह्मा बाबा स्वयं बेहद सन्यासी है क्योंकि अपने अपने के लिए कुछ नहीं रखा सब कुछ ट्रस्ट को जमा कर दिया ब्रह्मा बाबा क्लास के बाद सभी बच्चों का साथ बहुत प्यार से बहुत समानता से बहुत सरल रूप में सभी कर्मयोगी को मिलते थे ब्रह्मा बाबा जब भोजन बनाता है उसी समय में किचन में जाके जो सेवाधारी कर्मयोगी बच्चे थे शिव बाबा का महावाक्य को याद दिलाकर बच्चे तुम किसको भोजन बना रहा है पूछते थे शिव बाबा को भोग बना रहा है आप आप सब शिव बाबा के बच्चों को देवता बच्चों को भोग बना रहा है ऐसे शिव बाबा की महावाक्यों को याद कराते थे, थे। बाबा ने जो भी अनाज क्लीन करने का सेवा रहता था उधर भी बाबा जाके बैठ के सबका साथ खुद भी अनाज क्लीन करते थे जैसे बाबा चक्कर लगाते थे जो कपड़ा धुलाई करने वालों के पास भी देखते थे बाबा सो कपड़ा प्रेस करने वालों के साथ भी बाबा वो जाके देखते थे बच्चों का रूम्स को विजिट करके कैसे क्लीन रखा है नीट रखा है सभी इंस्पेक्शन करते थे बाबा सब बच्चों के साथ स्वयं बैठकर ब्रह्मा भोजन करते थे तो बाबा का मैं क्या वर्णन करूं इसकी सिंप्लिसिटी को सचमुच मैं नहीं वर्णन कर सकता है क्योंकि गुरु जगत गुरु को सेवा किया है उसको स्टेटस उसका रॉयल्टी उसको ये मैं क्या बोलो वो ऐसे थे परंतु तो बाबा वेरी सिंपल हो के सबके साथ रहते थे जो भी बच्चे कुछ कर्मणा सेवा में गलत गलती करने से उसको स्वयं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे बाबा बाबा का जीवन हम लोगों को कॉपी करने के लिए फॉलो करने के लिए फॉलो फादर को कहा तो इजी से एग्जांपल मिलता था बाबा अपना बच्चे जो पार्टी आता है जो पार्टी के साथ अपना कमरे में मिलन करते थे हरेक बच्चों का लाइफ हिस्ट्री सुनते थे हरेक बच्चों को मार्गदर्शन करते थे गाइड करते थे ऐसे करो ऐसे करो ये सारी अनुभव कम से कम दस दिन मैं मधुबन में बाबा का साथ करने के बाद हम लोग बेंगलुर पहुंचा मैं कुछ दिन कॉलेज में गया हमेशा मधुबन की स्मृति ब्रह्मा बाबा का स्मृति वो इतना ओल्ड एज में भी कितना वो टायर्डलेस सबके साथ था मार्गदर्शन करते थे सबको पालना देते थे सब कुछ मैं देखकर वही सीन वही सीन बारम्बार याद आते थे हर एक दिन मैं बेंगलुरु में मॉर्निंग इवनिंग क्लास में रेगुलर जाते थे मधुबन से जाने के कुछ महीने के बाद आई थिंक 1966 होगा उसी समय में मेरे को मुरली सुनकर ऐसे संकल्प आया सभी दादियां सभी सीनियर ब्रदर सिस्टर सरेंडर हो गया है बहुत सेवा किया है मैं भी सरेंडर के सेवा करना समय बहुत कम है ऐसे समझकर मैंने कॉलेज छोड़ दिया बारंबार बार क्लास में जाने लगा दादी हृदय पुष्पा जी ने मेरे को पूछा क्या कॉलेज नहीं है कभी इधर आते रहता है आते रहता है मैंने दादी को ये बताया दादी जी आप लोग बहुत दिन ये दिन में सेवा किया है आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है जब ये भगवान धरने पर आ गया है हमें कॉलेज पढ़ के क्या करो मैं अभी कॉलेज छोड़ दिया है मैं नौकरी ढूंढकर ढूंढ रहा हूँ नौकरी लेकर मिलने के बाद मैं मैं भी यज्ञ सेवा करने के लिए मैं चाहता हूँ दादी हृदय पुष्पा जी ने मेरे को पूछा बताया बसराज भाई तुम कॉलेज किसका परमिशन से छोड़ा क्यों मन्मत से तुम्हें कॉलेज छोड़ा ऐसे मेरे को बोलने लगा मैंने बोला दादी जी आप लोग ज़्यादा सेवा किया है हमको भी टाइम नहीं है ना इसलिए तो कॉलेज छोड़ के मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ सेवा करने के लिए नौकरी मिलने के बाद मैं भी तन मन धन से सेवा करता हूँ दादी जी ने बोला ये आप मनमत से चल रहे हैं मैंने दादी जी को बोला नहीं दादी अभी समय नहीं है बाबा समय नहीं है समय नहीं है बाबा बोल रहा है बारम बार मुरली में इसलिए तो श्रीमत के अनुसार ही चलने के लिए ही मैं ही कॉलेज छोड़ दिया फिर दादी ने मेरे को बहुत कन्विंस किया बाद, बाद में मेरे को दादी ने ये डायरेक्शन दिया तुम्हें बाबा को पत्र लिखो क्या कॉलेज छोड़ देना कॉलेज पढ़ना क्या करना आपका लाइफ क्या है ऐसे बाबा को पत्र लिखो बाबा क्या डायरेक्शन देता है ऐसे चलो आप मनमत से नहीं चलो इससे मेरे को दादी ने बताया फिर मैं रात रात बैठ के भगवान को मैं पत्र लिख रहा हूँ ऐसे पत्र लिखता हूँ रात को बैठ के तो फिर पढ़ता हूँ इसको निकाल के दूसरा पत्र लिखता हूँ क्योंकि भगवान को मैं पत्र लिख रहा हूँ इससे एंटायर नाइट मेरे को नींद नहीं आया कैसे भी एक लेटर ले लिख कर दादी को जाके दिया दादी ने ये लेटर को मधुबन भेजा बाबा से आंसर भी आया बाबा मेरे को ऐसे लिखा थे बच्चे तुम्हारे जन्मपुत्र का मेरे पास है मैं जानता हूँ तुम्हारी सेवा कैसे लेना तुम्हें दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ना गाडली यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर पढ़ना लौकिक यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर पढ़ना दोनों यूनिवर्सिटी में पास भी थाना रोना ऐसे बाबा ने मेरे को लेटर लिख के भेजा दादी ने क्लास में सबका सामने लेटर पढ़ा बाद में बोला दादी जी ने तुम्हें कॉलेज में जाओ बाबा का इंस्ट्रक्शंस दिया है मैंने कॉलेज में जाने लगा फिर मेरे को ब्रह्मा बाबा का इतना लाइफ सुनकर इतना कमाया करोड़पति थे सारे सरेंडर कर दिया हमको कुमार है हमारे पास धन भी नहीं कुछ नहीं है तो कैसे भी शरण रोना है ऐसे फिर से फिर मन में संकल्प आने लगा फिर एक दिन ऐसे संकल्प आ गया ये लेटर लिखने के समय क्या शिव बाबा आया है वो तो ब्रह्मा बाबा लिखा है वो तो फिर काले चोट चोड़ के मैं सेंटर में जाने लगा दादी पूछा क्यों से फिर काले चोट के कालेज है ही नहीं क्या दादी को मैं बोला दादी जी ये पत्र ब्रह्मा बाबा लिखा है शिव बाबा को मैं पत्र लिखे थे शिव बाबा जब भी बाबा गद्दी पर बैठेंगे क्लास में उसी समय में आता है तो जब मेरे को लेटर लिखने के समय में कैसे शिव बाबा आता है लेटर लिखता है ये ब्रह्मा बाबा का है दादी जी ने मेरे को देख कर मेरे बहुत हैरान हुआ ये तो ये क्या कर रहा है तो कितना समझा है मेरे को मेरे को ये संकल्प आ गया तुमको क्यों ऐसे संकल्प आया तो ये एक दिन मुरली में बाबा का मुरली में क्लास में ये सुना बच्चे ब्रह्मा बाबा का मुख से जो भी डायरेक्शन आता है तो ये समझना मेरा डायरेक्शन है भले ब्रह्मा बाबा कुछ क्या भी डायरेक्शन देने से भी उसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ क्योंकि मैं परम धाम छोड़ कर आ गया हूँ और हमेशा ब्रह्मा बाबा का साथ बन रहकर बच्चों को पालना देता है। इसे साकार मुरली में आ गया ये मुरली सुनकर मेरे को इतना डर आ गया मैं ऐसे उल्टा संकल्प कर दिया स्वयं परमपित परमात्मा साकार में आकर हमेशा बच्चों को सेवा कर रहा है मैंने मेरा बॉडी कॉन्शियस से ऐसे में बाबा का लेटर को उल्लंघन करके कॉलेज छोड़ दिया ऐसे मन को फिर तो संकल्प में सारी बोला बाबा को बाबा हमें ऐसे कर दिया सारे अभी कॉलेज में जाता हूँ सो so, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा अलग अलग नहीं है अभी साकार समय में हमेशा ब्रह्मा बाबा का साथ शिव बाबा ने बच्चों को पालना देते थे ये सारी मैं ओल्ड स्टूडेंट बनकर अनुभव करने लगा मेरे को लौकिक एजुकेशन कंप्लीट हुआ रिजल्ट भी आया बाद में मैं गवर्नमेंट को अप्लीकेशन दिया मेरे को गवर्नमेंट से तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर ऐसे तो नौकरी मिला रायचूर में कर्नाटका स्टेट में फिर मैं रायचूर में दादी का परमिशन लेकर गया नौकरी फर्स्ट महीने किया 1968 फरवरी में तो मार्च में मेरे को तनका मिला मेरे मैंने ये फर्स्ट महीना पेमेंट है ये कैसे अभी मैं बाबा का सेवा करो क्या करो कैसे यूज़ करो ऐसे बहुत सोचने लगा मेडिटेशन करके करके बाबा को पूछने लगा मैं कैसे मेरा जो अर्निंग्स है उसको सफलता करूं मेरे को बाबा आंसर दियो मैं बाबा मेरे को डायरेक्शन दियो ऐसे मैंने कम से कम एक दो हफ्ता तो बाबा को मेडिटेशन के द्वारा पूछने लगा पूछने लगा एक दिन सुबह सुबह अमृत वेला में जैसे वॉइस से हमको बाबा ने डायरेक्शन दिया बच्चे तुम्हारी तनखा को तीन भाग करो एक भाग आप यूज़ करो दूसरा तुम्हारे शरीर के माता पिता को भेजो तीसरा जो भाग है वो तो यज्ञ सेवा करो ऐसे मेरे को बाबा ने तो वॉइस द्वारा मेरे को बता दिया मेरे को इतना आश्चर्य हुआ इतना स्वीट वॉइस है इतना स्वीट डायरेक्शन है मेरा संकल्प को तो बाबा ने आंसर दे दिया बहुत आश्चर्य हो गया मेरे को क्योंकि बाड़ी नहीं है कैसे बाबा हमको इतना आ, स्वीट से मेरे को डायरेक्शन दे दिया तो डायरेक्शन तो बाबा से ले लिया डायरेक्ट बाद में मैंने एक दो घंटे के बाद मैंने सोचने लगा मैं क्यों बॉडी कॉन्शस में आके बाबा को पूछा क्योंकि हर एक मुंडली में बाबा बोल रहा है एक बाप दूसरे में कोई ब्रह्मा बाबा फैमिली होल्डर थे ब्रह्मा बाबा को इतना रिलेशन भी थे ब्रह्मा बाबा को राज महाराजों का दोस्त भी था ब्रह्मा बाबा को इतना रिचेस्ट मैन भी था सब कुछ छोड़ के शिव बाबा को सरेंडर हो गया सभी बाबा को अर्पण कर दिया अपना अर्निंग्स मैं क्यों बाबा का महावाक्य कैसे ठीक से नहीं लिया मुरली का महावाक्य नहीं लिया फिर परमात्मा को मैं क्यों मेडिटेशन के द्वारा पूछने लगा कैसे यूज़ करो कैसे यूज़ करो ऐसे मेरे को बहुत मन में दुख आया बाद में मैंने बाबा को बोल दिया बाबा आप मेरे को बोला है जो बाबा का डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा को दिया वही डायरेक्शन मेरे को मेरे को भी दिया है एक बाप दूसरे न को है। ऐसे सारी माता पिता सभी संबंध शिव बाबा को रह कर रख कर मैंने सरेंडर लाइफ चला के बाबा का यज्ञ में समर्पण हो गया इसलिए ब्रह्मा बाबा का सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इतना सरलता बाबा का इतना नम्रता बाबा सबको रेस्पेक्ट देकर दे कितना अच्छे से बच्चों को मार्गदर्शन देके वो सबको आगे रख के चलाता था सब मैं बाबा का साकार बाबा का दर्शन करने का समय सभी ऑब्जर्व किए थे वही सारे बाबा को बाबा का जो महान वाक्य है बाबा का जो मार्गदर्शन है बाबा का साकार बाबा का वो रूप है सब कुछ मेरा सामने था इसलिए मैं भी बाबा को फॉलो करके फॉलो फादर करके बाबा का त्याग तपस्या निरहंकारी निर्विकारी निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ मैंने कॉपी करने के लिए ब्रह्मा बाबा को मेरे को आदर्श बना मेरा लाइफ जब भी सरेंडर होने के कारण यही गए यही है ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा आदमी तो स्वयं महाविष्णु भक्त थे वो तो शिव बाबा का सरेंडर हो गया मैं शिव का भक्त था लौकिक में मैं क्यों नहीं सरेंडर होवे मैं भी सरेंडर होना है बाबा का बाबा का संगम एक में सेवा करना है स्वयं परमात्मा पृथ्वी पर पधारा है ऐसे मेरे को संकल्प आया उसी दिन से बाबा का एक दिन में मैं समर्पित होके दादी जी उनका मार्गदर्शन के द्वारा तो एक दिन में अब तक सेवा करके मेरा लाइफ को तो अच्छा बनाया ओम शांति